नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद कांग्रेस कार्यालय खुलवाने की मांग को लेकर चिरकुंडा स्थित तालांगा हाउसिंग कॉलोनी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र झा ने बुधवार को प्रेस वार्ता किया। झा ने कहा कि भाजपा सरकार वर्ष 2011 में सोची समझी राजनीति के तहत धनबाद जिला कांग्रेस भवन जिला परिषद के माध्यम से सील कर दिया गया, जिसे कांग्रेस भवन का ताला खुलवाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची के समक्ष 21 अगस्त 2023 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। झा ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा 1958 में 1 बीघा 10 कट्ठा जमीन जिसका प्लाट नंबर 3,27,650 मौजा नंबर 7 खाता नंबर 140 को लीज पर धनबाद लुबी सर्कुलर रोड में कांग्रेस को दिया गया था, जिस जमीन पर भव्य कांग्रेस भवन व इंटक भवन बना है। दुर्भाग्यवश 2011 में गलत तरीके से कांग्रेस भवन को भाजपा सरकार के द्वारा इनक्लोज घोषित कर दिया गया। उपरोक्त घटनाक्रम के बाद से ही पूरे धनबाद जिला के कांग्रेस कार्यकर्ता में आक्रोश भर गया है, जो भयानक विस्फोट का रूप ले सकता है। झा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार में हम सहयोगी हैं और यदि सरकार कांग्रेस भवन को खोलने से संबंधित कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस भवन को खुलवाने के लिए आम कार्यकर्ता नेता की भावनाओं को देखते हुए अगस्त 1921 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष करने को बाध्य हो जाएंगे। इस क्रम में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेवार प्रदेश के अध्यक्ष सह प्रभारी अविनाश पांडे व कांग्रेस विधायक दल के नेता झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम होंगे। झा ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय खुलवाने से संबंधित धनबाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 मई को पत्र दिया है। प्रेस वार्ता में सुरेश चंद्र झा के साथ शशि भूषण नाथ तिवारी, नागेंद्र सिंह, मोहम्मद अमीरुल्लाह, परमानंद सिंह, निशिकांत मिश्रा, मंतोष यादव, शिवाकांत पांडे, बबलू दास, जितेंद्र मिश्रा, सुदामा भंडारी आदि थे। कांग्रेस साफी धनबाद जिला कांग्रेस ऑफिस जो बस 2011 से बंद है, एक साजिश के तहत झारखंड में भाजपा की सरकार बनी थी, उसमें एक साजिश के तहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इसको बंद करवा दिया गया, जबकि उसके बगल में ही क्लब है, ठीक बगल में क्लब है, वह खुल गया है और इसको बंद रखा गया। अभी तक आज 3 माह से हम लोगों के झारखंड प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, उनके निर्देश पर धरना का कार्यक्रम कांग्रेस ऑफिस के बगल में चल रहा है 3 माह से। अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो हमने कहा ये आई वॉश है, इसीलिए कि हमारी सरकार है झारखंड में, हमारे नेता लोग मंत्री से मुख्यमंत्री से बराबर मिलते हैं। धरना के संबंध में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजा है कि जिससे इसको खोलने में आपको आसान हो, सुविधा हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग लाचार होकर के वर्ष 11 से लेकर अभी तक परेशान है। पूरे जिले के कांग्रेसियों में एक खलबली है और आक्रोश भरा हुआ है, नेता लोग इससे बहुत अधिक मायूसी है कि अब नहीं खुलेगा। मन्नान मल्लिक बहुत अधिक इसमें प्रयास किए थे खोलने का, लेकिन वह आपको नहीं सफल हो पाए क्योंकि कुछ लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, नहीं खुलने देना चाहता था, राजनीति कर दिया था, जिसके चलते आज आपको कांग्रेस ऑफिस नहीं खुल पाया है। और अभी हमारी सरकार है आलमगीर आलम, इसके माननीय मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मालिक होते हैं, उनके द्वारा अभी तक इस पर पूर्ण रूप में कार्रवाई नहीं करने के कारण हमारा ऑफिस बंद है और हम लोग आपको धरना सत्याग्रह कर 3 महीना करते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ये नौबत आया, हमने सोचा अब हमको हार्ड डिसीजन लेना होगा। झारखंड जब तक ऑफिस नहीं खुलेगा तब तक धनबाद वहां पर रांची में हम लोग कांग्रेस कार्यालय में आपको अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम बैठेंगे। जब तक ऑफिस ऑफिस के बारे में सही निर्णय नहीं आएगा तब तक हम आपको अनिश्चितकालीन घरों पर बैठे रहेंगे। इसी निर्णय के साथ हम लोग आज इस पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं और 21 तारीख को हम लोग वहां पर रांची में धरना देंगे। हम अपने स्ट्रंग बैठने धरना बैठने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर हम अपने बैठेंगे।